पर देखिए, कुछ लोगों की बातों में आपको इनसिक्योरिटी नजर नहीं आएगी, लेकिन उनकी हरकतों में आपको इनसिक्योरिटी नजर आएगी। और उनमें से सबसे बड़ा जो आदमी है ना, वो है रफ्तार। देयर वाज अ टाइम आई वाज ह्यूज फैन ऑफ रफ्तार। गाना हो, इंटरव्यू, भाई चाट जाता था। और अब हालात कुछ ऐसे हैं, पर जितना इसको सुनता हूँ ना, उतनी ज़्यादा नफरत बढ़ती जाती है। और ये आउट ऑफ नफरत वीडियो नहीं बन रही है, ये वीडियो बन रही है आउट ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ मिस्टर हनी सिंह, कि यार उस बंदे ने क्या कर दिया तुम्हारा, मेरे को तो ये बताओ। इंटरव्यू वाले बंदे ने पूछा कि भाई इन लोगों से क्या क्या लेना चाहोगे। सबसे पहले बोला कि यार आई एम हैप्पी मैं जैसा हूँ। फिर उसके बाद ना बताओ 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 क्या है, मैं बना बताओ। कृष्णा वो तो अपना ही बंदा है, एम वे कुछ नीचे। हनी सिंह की बारी है ना, तो यू कुड सी द फेस, भाई इतना ज़्यादा जहर भरा है अंदर। और जानबूझ के ही वॉज वेटिंग कि लिखने वाला डेफिनेटली हनी सिंह का नाम लिखेगा, क्योंकि बिना हनी सिंह के तो रफ्तार पूरा हो ही नहीं सकता। रफ्तार में रफ्तार आएगी हनी सिंह के नाम से, उसके बाद रखे अपने पास जो रखना है। भाई यू कैन रिस्पेक्ट, जो फिर तुम बोलते हो ना कि सीन में इज्जत तो सबकी करते हैं, तो भाई तुम नहीं करते हो। तुम साला, तुम्हारे ना पिछवाड़ा जलता है हनी सिंह के नाम से। एंड दिस इज नॉट बिकॉज बिग फैन ऑफ हनी सिंह, पर जो अच्छा लिखता है मैं तो उसकी तारीफ करता हूँ। बट भाई हनी सिंह से ना सच में ना पिछवाड़े में ना मिर्चियाँ घुसती हैं रफ्तार के, और बात जाकर वो चीज़ें इंटरव्यू में साफ दिखाई देती हैं। और इतना चीप बनना, क्रीप बनना, क्रींज बनना बंद कर मेरे भाई, नहीं तो अगली वीडियो में ना सब कुछ एक्सपोज कर दूंगा तेरा।